ये कितने का दे रहे हो? 10 का। हाँ? 10 का। 10 का एक है? हाँ। तो पूजा तुम्हारा नाम? पताजी बोले। दे दिला दो आइसक्रीम। तीन दे दो इनको। दो खिलाते हैं। रोल दीना दे रहा बच्चे। रोल इसको? अंडे का। अंडे का रोल? हाँ इसको दीना। ओके नेहा, अभी जो यहाँ पे जो भीख मांग रहे थे उनको हमने मतलब खाने के लिए कुछ दिया, तो वो पैसे मांग रहे थे तो मैंने खाने के लिए कुछ दिया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नज़रिया ये कहता है कि अगर कोई भी भिखारी हमसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, तो उनको पैसे नहीं देने चाहिए, एक्चुअली उनको कुछ खिला देना चाहिए ताकि उनका पेट भी भरे उससे। पैसों से क्या क्या पता कुछ को गलत चीज़ खरीद सके, जैसे कि नशे कर सके वो। हाँ, और एक चीज़ ये ऐसे मतलब बहुत सारे देखे भी हैं कि मतलब जो साधु वगैरह होते हैं जो ऐसे भीख मांग के शाम को दारू पी के कहीं पड़े होते हैं, ऐसे मतलब काफ़ी सारे, अगर ये पैसे मांगे तो उनको खाना खिला देना चाहिए। खाना देना चाहिए हमारे हिसाब से, कुछ खिला देना ज़्यादा बेटर है, कैश देना मतलब सही है, क्योंकि आज के टाइम में जो भिखारी लोग होते हैं ना, नशा ज़्यादा करते हैं, अच्छा वगैरह कुछ कैश नहीं देना चाहिए और खाना देना चाहिए, वो बेटर है। ओके, एक चीज़ और, अगर हम मतलब जैसे इनके कपड़े वगैरह सही नहीं होते तो कपड़े वगैरह दिला के भी तो इनकी हेल्प कर सकते हैं ना? सही है, मजबूत है उसको मेरे हिसाब से कुछ भी ना देना चाहिए। हाँ, एक ये भी है मतलब देखा है, अभी भीख मांग रहे होते हैं शाम को पी के कहीं पड़े होते हैं, है ना? और आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को हाथों पे मजबूत है तो उसको कुछ ना देने चाहिए, अलग उसको बोला चाहिए बेटा भैया तू खा कमा तेरे सही सलामत, कोई भी हेल्प ना। ओके, हाँ, ये मतलब भीख मांग के दारू दूरू पी के पड़े होते हैं। और एक चीज़ अभी मैंने सर्च करा था, टोटल इंडिया में 413,670 के करीबन आंकड़ों में हमने बताया कि इतने भिखारी इंडिया में हैं, ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट को भी क्या कोई स्टेप लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल लेना चाहिए गवर्नमेंट, आपके हिसाब से क्या एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं इनके लिए? गवर्नमेंट को रोजगार देना चाहिए इनको, रोजगार, एजुकेटेड लोग जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार नहीं है, तो इनको कैसे क्या रोजगार देगी? कुछ तो करना चाहिए सरकार को, इसके लिए में बहुत से इतने फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उनमें कुछ वर्क कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी लगेगी थी योजना निकालते हैं गवर्नमेंट। और एक वो क्या बोलते हैं उनको यार, वो आश्रम वगैरह ऐसे कुछ होता है, अनाथ आश्रम वगैरह या ऐसे मतलब कुछ ओपन करके या वैसे भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। और ये है जो बोल नहीं सकते और शेक मतलब रेडी लगाई हुई है उन लोगों ने, है ना, तो ये भी तो है, ऐसे भी तो कर सकते हैं वो लोग, सुनाई भी नहीं देता, आप सुन नहीं सकते, बोल भी नहीं। ओके गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता, रहने के लिए घर नहीं होता, तो उन लोगों की हमने हेल्प करनी है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों से हमने व्यू लिया, किसी ने बोला खाना दे देना चाहिए, किसी ने बोला कंबल वगैरह डोनेट कर देने चाहिए और पैसे नहीं देना चाहिए, तो आपका इस बारे में क्या व्यू है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि दिवाली पे खाना वगैरह दे के या कंबल वगैरह ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा हेल्प करें इन लोगों की, तो आपका जो व्यू है वो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस दिवाली कोई भी बंदा भूखा ना सोए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।